प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मैं इंसोसन 8 नंबर की अलजबरा, आपके 18 नंबर की कोऑर्डिनेट, आपके 5 नंबर की त्रिकोणमिति, आपके 12 नंबर के रियल नंबर, आपके 5 नंबर की संख्यांक की, आपके 10 नंबर की ज्योमेट्री, आपके 12 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे, आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या जा रहा है, ध्यान दें। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 11 अनुपात 10 है, तो भुजाओं का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में ए बी सी आपको त्रिभुज दे रखे हैं, पी क्यू आर आपको त्रिभुज दे रखे हैं, जो आपस में कैसी हैं भुजाएं, इनकी इनकी भुजाएं कैसी हैं, संगत भुजाएं। देखिए सूत्र या फार्मूला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बी सी का होल स्क्वायर बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। पहले वाले का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 11, दूसरे वाले का दे रखा है 10, किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर के। अब जरा आप ध्यान दें, बी सी बटे क्यू आर इसका स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पर रूट आ जाएगा। आपको संगत भुजाएं कैसे मिल जाएंगी, जरा देखिए, बी सी अनुपात बराबर क्यू आर क्या मिल जाएगा आपको, रूट 11 अनुपात रूट 10। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।